मध्य प्रदेश में महिला अपराध एवं यौन प्रताड़ना के खिलाफ रोशनपुरा चौराहे पर शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ AICC महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और PCC चीफ जीतू पटवारी सहित मध्य प्रदेश के सभी जिलों के कांग्रेस जिला अध्यक्ष और हजारों सैकड़ों समर्थकों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला किया गया। सभी कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा उपवास रख कर धरना प्रदर्शन दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार को फेल बताया। तो तस्वीर आज सबके सामने है, हमारा किसान हो, हमारा नौजवान हो, और मध्य प्रदेश को उपलब्धि है कि मध्य प्रदेश को सबसे भ्रष्ट प्रदेश पूरे देश में महाराष्ट्र में। यूरोपियन कंपनी अमेरिका कहीं नहीं होता, ईवीएम पर चुनाव सिर्फ इंडिया में और अफ्रीका में होता है। हमेशा हारने वाले यही बोलता है। कमलनाथ जी की बात तो सारी बातों का जवाब चुनाव आयोग ने दे दिया है। मैं समझ सकता हूँ कि इतना पारदर्शी चुनाव कभी होगा नहीं। जब कश्मीर में रिजल्ट आया तो अच्छा, और हरियाणा में हार गए तो बुरा। ये तो छोटा मन है ना, ऐसा कैसे बोलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस सबक लेगी अपने इन चुनाव के रिजल्टों से।